ठीक है, माना कि महीने का आपको 80,000 रुपए महीना मिलता है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इतनी इतना ज्यादा क्यों आपको पार्टी करने को मिलता है? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोग को, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त अपने हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सीनियर क्लब जा रहे हैं हम लोग, मम्मी को लेके स्कूल में एक बार छोड़ने गए थे सुबह, मैं सो गया आके, फिर माना लेके आई, देन एक दो घंटे के बाद इनको फिर तैयार करके लेके जाना पड़ रहा है। इनका स्कूल नहीं हो गया है, रसीद की औरत हो गया है, बार 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 बार, पता नहीं कौन सा ऐसी चीज़ है, किस स्कूल में इतनी मीटिंग होती है भाई, जहाँ पिंक पिंक साड़ी पहन के आप जा रही हैं। ठीक है, माना कि महीने का आपको 80,000 रुपये महीना मिलता है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इतनी इतना ज़्यादा क्यों आपको पार्टी करने को मिलता है स्कूल में? और ठीक है, चलो ठीक है मम्मी, लेकिन मम्मी का कहना था कि कार से छोड़ो, मैंने कहा कि कार को भी, उसमें हवा भी कम है, फिर पहले हवा भरवाने लेके जाओ, फिर ऐसे करो वैसे करो, इससे अच्छा मैंने कहा आपकी राम प्यारी की मैंने पहली बार गाड़ी ली थी गाइस, उसको मैं अभी तक नहीं बेचा, ओएलएक्स पे डाल भी देता हूँ उसका, लोग रेट बोलते हैं, नेगोशिएट भी करता हूँ लेकिन बेचता नहीं, पता नहीं क्यों मुझे इसकी फटपटी से एक अलग ही प्यार है, एक अलग ही नशा है मेरा इस चीज़ के साथ। तो मम्मी हम क्या थोड़ा वेट कर लें यहाँ पे आपको छोड़ के? कितना टाइम लगेगा? आई थी 4 बजे शुरू होगा, 6 से पहले भी क्या होगा, डांस परफॉर्मेंस, डांस भी है, सॉन्ग है, कुछ जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स है ना, क्या होगा? नहीं मत करो, क्लिपिंग बेशक बनाइएगा और कैमरा को बिना हाथ हिलाए और कैमरा को पहले शूट करने से पहले पोंछ लीजिएगा, ओके, वाइप कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप शूट करिएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे मैं इस ब्लॉग में डाल दूंगा, और जैसे कि गाइस मैंने आप लोग से वादा किया है कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, भले 4 मिनट का हो 5 मिनट का हो, लेकिन मॉर्निंग में अब रोज़ बनाएंगे ना। ये ग्रीनरी देखो, ऐसा ग्रीनरी आपको या तो लंदन में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लंदन में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। और ये अच्छी बात ये कि मेरे घर से जस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं है, उसके पीछे ही 1.5 किलोमीटर्स। अरे कार से छोड़ने जाओ मम्मी को, फिर मम्मी क्या करती हैं पूरे गर्मी में, जितनी भी इनकी मैम रहती हैं, एक दो मैम को बैठाएंगी छुट्टी के टाइम, और उनको उनके घर छोड़ो, उनको उनके घर छोड़ो, फिर उनको उधर छोड़ो, फिर इनको घुमाते हुए ला के घर छोड़ो। ओके बाय 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 अल्लाह। लोग देख रहे हैं ये कर क्या रहा है काला, फोन उठा के ये क्या क्या दिया है। अरे ये है मेरी मम्मी का स्कूल, खंजर से नहीं डरते, ये मेरी माँ का स्कूल है, केजी स्कूल, और यहाँ पे इनका एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, यहाँ पे इनका एक मार्केट है, अरमापुर मार्केट, जहाँ मैं आपको कितनी बार लेके जा चुका हूँ, आप भी जा के देखे हैं वहाँ पे, और यहीं पे ओएफ इंटर कॉलेज था, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, अपनी पढ़ाई की है। तो चलते चलते रास्ते में अभी ओएफ इंटर कॉलेज भी आएगा, वो भी मैं दिखाता चलूँगा, बस आप रोड चेक करें यहाँ, छोटू सा वाओ वाओ वाओ, तो बस आप रोड चेक करें यहाँ पे ना। अमूमन क्या करते हैं हम लोग को, जब ड्राइविंग सीखना होता था या किसी को सिखाना होता है, तो इन रोडों पे ले आते हैं, इन रोडों पे ट्रैक्टर ट्रक और बड़े बड़े गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। सारे दोस्त तो मेरे जा चुके हैं 2011 के 12 के 13 के, मैं बचा हुआ हूँ जिंदा। ये अरमापुर हॉस्पिटल है, देखो हर चीज़ यहाँ पर, छोटी छोटी हर चीज़ मिल जाएगी आपको, ये एक इनका ही अलग जोन बना हुआ है, एक जोन में ही सब चीज़ें होती हैं। ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल अरमापुर, ये देखिए ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल अरमापुर, ये जो खम्बा देख लो पोल, 2010 में मम्मी ने मुझे एक फ़ोन दिलाया था गैलेक्सी 5, इस पोल के सामने, उस फ़ोन से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड थी,
हम लोग यहाँ से पूरा साइकिल से चलते चलते यहाँ जाते थे, फिर वहाँ पे हम लोग की कोचिंग होती थी, वहाँ जाते थे। क्या टाइम था यार, इसी पोल पे इस जगह खड़े होके मैंने फ़ोटो खिंचाई थी फ्रेंड के साथ। मतलब जो होता है ना बचपन का प्यार, जब आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं जानते, बस आप हाथ पकड़ लिया, यही बहुत बड़ी बात हो जाती थी आपके लिए। तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती थी हम लोग के लिए कि उसने मेरे साथ यहाँ पे फ़ोटो खिंचा ली थी, यहाँ पे खड़े होकर। बहुत अलग ही मोमेंट था यार, अलग ही। मतलब मैं यहाँ पे अकेला ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे पता आप सब देख रहे हो, तो आप सब की नज़रें मुझे इस कैमरे के पीछे दिख रही हैं, तो मैं अकेला नहीं फील कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन वैसे देखा जाए तो बड़ा सन्नाटा है इधर। यहाँ मैंने गाड़ी को बंद किया, असल में ये है रामलीला ग्राउंड, और वो थी कोचिंग दीपशिका, जहाँ की मैनेजर मेरी मम्मी थी, और यहाँ पे हम भी पढ़ते थे। इस बार ना रामलीला का पूरा मेला मैं देखने नहीं आया, तो मैं ये बता रहा था कि हम लोग अमूमन स्कूटी को भी गाड़ी बोल देते हैं। पहले हम लोग के लिए गाड़ी यही होती थी, अभी भी यही है, गाड़ी 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 गाड़ी। हमें बाहर जाके बाद में पता चला कि भाई गाड़ी फोर व्हीलर को बोलते हैं। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हम लोग के इमोशंस भी हैं, जैसे जाकिर खान बोलता है, हमारे लिए तो ये गाड़ी ही है। धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं क्या करूँ। काइस, तंबाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी जब यादों के पिटारे में आता हूँ, तो कभी कभी एक सिगरेट और एक कप चाय हाथ में होनी चाहिए। इसको प्लीज़ जज मत करना। अच्छी बात यह है कि किसी भी चीज़ की हम लोग को आदत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा खाने की आदत है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खाने की आदत नहीं, मतलब मेरे लिए अच्छा जंक फूड और मीठा और जितनी भी गंदी गंदी चीज़ होती हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसके भी दीवाने नहीं हैं, लेकिन एक तरह से हैं भी। और कहा जाए तो अगर सिगरेट भी पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिगरेट मुझे छोड़ नहीं रही है। कभी कभी दिन में एक सिगरेट, कभी कभी हफ्ते में दो सिगरेट, कभी कभी 10 दिन पे एक सिगरेट, कभी कभी कोई पुराने दोस्तों से मिल गए तो एक दो सिगरेट, कभी पान खा लिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी आदत के हम गुलाम हैं, सबको सबकी हद में रखा है। कितने लोग यहाँ पे रह के चले गए, लोगों के ट्रांसफ़र्स हो गए। मतलब जो एरा था 99 का, इन 90s का, 90s के दौर पे जो लोग यहाँ पे काम करते थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, उनके लिए ग्राउंड होता था आर्मी ग्राउंड, पीछे स्कूल होता था, स्कूल के बगल में थिएटर था, कल्याण मंडप जिसको कहते हैं। और यहाँ पे रामलीला का मेला देखने के लिए सुना है कि गांव से लोग आते थे, तो 10-10 दिन पहले से लोग आ जाते थे। तो एक वो एरा गया, लोगों का रिटायरमेंट्स हुए, लोग बदले, फिर 2000 में लोग आए, फिर वो जो लोग 1999 में आए थे वो 2011-12-13 तक रहे, फिर 2012-13 में लोग शिफ्ट हुए। 12-13 के बाद एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो अरमापुर मैंने 12-13 में देखा है वो रौनक जा चुकी अरमापुर की। वो लोग, पुराने लोग, यादें लोग ही तो बनाते हैं किसी भी एक इस पत्थर की जगह को भी। यहाँ पे लोग बैठ के ही इसको अजूबा भी बना सकते हैं, इसको कूड़ा भी बना सकते हैं, तो लोग ही यादें बनाते हैं। और जब लोग ही नहीं रहे तो बस एक सुनसान खंडहर हो जाता है। तो हम लकी हैं कि हमारा काम ऐसा है कि हम जब चाहें मन से काम कर लेते हैं, और जब चाहें यहाँ पे आके घूम लेते हैं, घर वालों के साथ रह लेते हैं। सलमान खान वाला था तो एकदम। तो गाइस जिम में है, ये कॉफी फांक के आए थे बस हम, एक कॉफी फांक के आए थे बस। प्री वर्कआउट में बहुत झाटू लग रहा है वो।
सो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है, 83 कल वेट था 82, आज 1600 कैलोरी बर्न करी है लेकिन 83 क्यों दिखा रहा है। आई थिंक ये वॉच वाला गलत बता रहा है, लेकिन फिर भी अपना काम है, मेहनत करते रहना करते रहना करते रहना। दो दिन आज होगा, 3, 4, 5, 6, 7 दिन 7000 कैलोरी अगर बर्न की मैंने तो 1 किलो फैट लॉस होगा, मसल्स लॉस नहीं फैट लॉस होगा। ठीक है, मैं अपनी राम प्यारी लेता हूँ और चलता हूँ। माना की स्कूटी क्यों खड़ी हुई है, मेरी ये खड़ी है, दे उठा के नहीं मेरा मेरे पास है वो ऐसे ऐसे है ना। हाँ ये खोलो। खाने में मुझे नो कार्ब्स, कहीं चावल रोटी कुछ भी नहीं। इनके खाने में देखो चावल और रोटी कितना सारा कर रहे हैं। टेस्ट करिए जियो को, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है टाइट। मूवी कौन सी देखी जाए, बिग बॉस देखा जाए। गाइस ये तहज्जुद का टाइम हो चुका है, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। इसके पहले मुझे अपनी लुंगी ढूंढनी है, ये रही मेरी लुंगी। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और क्या बोलूँ, डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश मैं करता रहूँगा और ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन करता रहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस ज़िंदगी में हम लोगों को जब ऐसा लगे कि हम एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, तब कहते नहीं कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल लग जाते हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है। तो जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाएं और हमारा पेड़ झुक जाए, तो बस आपको अपने पास में जाके उन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिनको आपको लगता हो कि सच में कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप लोगों ने उनका दिल तो नहीं दुखा दिया। तो ये ज़रूर कर लें, ये मैं करता हूँ, और बस ताकि आप अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से बहुत इत्मीनान के साथ बिता सकें। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और मैं जा रहा हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने।